तो हमारे पास है डाइवर्सिटी एवं डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव, जिसको आज शुरुआत से न करके हम लास्ट से जाएंगे और अंतिम प्रश्न से पढ़ने का प्रयास करेंगे। लास्ट का प्रश्न कहता है कि कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हमारे कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते हम लोग, क्योंकि मुँह पर कुछ तुरंत कहना मुश्किल पड़ जाता है। अपनी कक्षा के दो समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह पर इस पर चर्चा करिए और दी गई परिस्थितियों में वे क्या करेंगे। तो जैसे गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है और आपको बहुत सारे कंडीशन दी हुई हैं कि जैसे आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, उनमें से किसी एक सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह से टिप्पणी करता है, तो आप क्या करेंगे। अपनी कक्षा के एक बच्चे लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है, और किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए आपको कोई चुटकुला सुनाता है। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी करते हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस बात पर चर्चा करना है और साथ ही उन मुद्दों को उठाना है और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस पर बातचीत करना है। तो ये क्लास की एक्टिविटी है और आप कर सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। तो हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोगों को अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी सरकारी नौकरियों में लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। फिर कहते हैं आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है। तो लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो अतः इसलिए संविधान समानता के बारे में और लोगों के बीच समानता होना भी जरूरी है ताकि सभी लोगों के बीच बराबरी रहे और सभी को समान सम्मान प्राप्त हो। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िवाद धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। 5 अलग अलग प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो जब लोग सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं तो लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज नहीं कराते हैं, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके पालन पोषण पर उचित ध्यान नहीं देते, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं और उचित प्यार और स्नेह नहीं मिल पाता और वे परिवार वाले बहुत समझने लगते हैं, जिससे हमेशा परेशान रहती है लड़की। फिर हमसे प्रश्न पूछता है पाठ्यपुस्तक से कि मेल कराना है, रूढ़िवाद धाराओं को कैसे चुनौती दी जा रही है। तो 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे हैं और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल में लौटी थी। फिर जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। फिर सरकार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। तो आप इसको मेल कर सकते हैं। फिर 14 कहता है उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो हमें उन तरीकों पर चर्चा करना है। तो जैसे ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ना खिलाना, इससे उसके साथ भेदभाव होगा। व्यक्ति से बात ना करना, व्यक्ति को अपने पास ना बिठाना, व्यक्ति को परिवार से अलग रखना, ऐसे व्यक्ति के साथ अपमानजनक भाषा में बात करना और उनके अधिकारों से वंचित रखना आदि कुछ तरीके हैं जिनसे भेदभाव होता है। दलित के अलावा अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, क्या आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं। तो दलितों के अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है तथा गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है, मानना पड़ेगा। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव किया है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार देखा है तो आपको कैसा महसूस हुआ है। अगर आपने किया तो आप अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन हाँ मैंने तो देखा है, महसूस भी किया है। मार होने का पता चलने पर रेलवे स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया सामने हुई, सॉरी स्टेशन मास्टर की, तो उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्द में वर्णन कीजिए। तो अंबेडकर के साथ यह घटना उनके बचपन में घटी थी, लेकिन उस समय की इस घटना का कारण उनकी समझ में नहीं आया होगा। उन्हें बहुत दुखी लगा होगा और वे सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे इसमें उनकी क्या गलती है, और इससे हो सकता है उनके मन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा होगा। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और आपके मन में जो आया। फिर स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया, लेकिन जब स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को अंबेडकर तथा उनके भाइयों की जाति के विषय में मालूम हुआ तो स्टेशन मास्टर का व्यवहार ही बदल गया। गाड़ी वालों ने दुगना पैसा लेने पर भी जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार स्टेशन मास्टर का व्यवहार बहुत ही बुरा था। बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वालों ने ले जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि गाड़ी वालों को उनकी जाति का पता चल गया था कि वे महार जाति के हैं और उस समय उसे बंबई प्रांत में अछूत माना जाता था। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसे महसूस होता है?
तो जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह कमज़ोर हो जाता है। दूसरों से अपने आप को छोटा तथा कमज़ोर समझने लगता है, लेकिन अपने और अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता और अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अम्बेडकर साहब को देखिए, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह अन्य लोगों की गलती है और यह उनकी परवरिश को दर्शाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको डबल मजबूती के साथ खड़े होना है। रूढ़िवादी धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं, और जब रूढ़िवादी धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि वे कोमल तथा मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। इसे कथन पर चर्चा कीजिए कि कैसे लड़कियों पर लागू किए जाते हैं, क्या लड़कियों के ये गुण जन्म से होते हैं कि ऐसा व्यवहार समाज सिखाती है? आप उन लड़कियों के बारे में क्या रखते हैं जो मृदुल एवं कोमल स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? तो कुछ स्वभाव मनुष्य में जन्म से होते हैं, कुछ स्वभाव वह समाज से सीखता है। लड़कियों को कोमल तथा मृदु स्वभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि समाज में यह रूढ़िवाद धारणा है कि लड़कियों का कोमल तथा मृदु होना चाहिए, परंतु सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती, वे रूढ़िवादी धारणा के अनुसार अपने आप को नहीं बांधती। फिर आपकी राय में खास जरूरतों वाले बच्चों को समान स्कूल में पढ़ने देना चाहिए या उनके लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए? आपके अपने जवाब के पक्ष में तर्क भी देना है। तो खास जरूरत वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, क्योंकि समान स्कूल में उनकी ज़रूरतों के अनुसार सुविधाएँ नहीं हो पाती, ना ही इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने तथा उनकी भावनाओं को समझने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। इस प्रकार के बच्चों को समानता स्कूल के बजाय विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, या फिर सरकार को समान स्कूलों में खास जरूरतों वाले बच्चों के अनुसार सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए। फिर यह दिया हुआ चित्र के हिसाब से हमें बताना है। फिर हमारे पास तो यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है।